हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ओवर हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू। ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 418.7 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। सो और योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यानी कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल होने लगता है, इसको बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर स्टीम एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट ब्लैंक प्रोसेस इन वेट रीजियन। ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी एंथैल्पी, ऑप्शन सी इंटरनल एनर्जी एंड ऑप्शन डी प्रेशर। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रेशर, राइट। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन वेट रीजियन कहा जाता है, राइट। फॉर स्टीम, स्टीम के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन वेट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम। ऑप्शन ए 8.3143 जूल पर केजी मोल केल्विन, ऑप्शन बी 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ऑप्शन सी 8314.3 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन एंड ऑप्शन डी 831.43 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। यानी कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसका एसआई सिस्टम क्या रहता है? उसका जो वैल्यू है वो 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। ऐसा यानी कि क्या बोला जाता है, एक यूनिट का कंसिडर करता है सिस्टम इंटरनेशनल, राइट। सिस्टम इंटरनेशनल जिसको हम बोलते हैं एसआई, और उसके यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 8.3143 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड फ्यूल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ऑप्शन बी कमर्शियल सेक्टर, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबो। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, राइट। यानी कि लिक्विड फ्यूल ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए हाइड्रो पावर, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो, राइट। यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट, वो में कौन सा कंसिडर होगा? हाइड्रो पावर, बायोमास और सोलर एनर्जी, जो कि हमें डेली रूटीन में मिलता ही रहेगा, इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ बायोमास एनर्जी। सो ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी एनिमल वेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव। यानी कि बायोमास एनर्जी है वो किस फॉर्म में होता है? वुड और एनिमल वेस्ट, ये दोनों में से बायोमास एनर्जी कंसिडर कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वुड एंड एनिमल वेस्ट, जिसमें से हम बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ नॉन एडिबल ऑयल्स दैट कैन बी यूज्ड एज बायोडीजल। ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पाम एंड ऑप्शन डी ए एंड बी। सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी ए एंड बी, राइट। यानी कि यहाँ पे कौन सा नॉन एडिबल ऑयल जिसे हम बायोडीजल के रूप में यूटिलाइज करते हैं? तो यहाँ पे उसका आंसर रहेगा जेट्रोपा एंड नीम।
what your right answer? Option D, A and B. Next question. Following gases are responsible for greenhouse effect. Option A, carbon dioxide. Option B, methane. Option C, CFCs. And option D, all of the above. So what your right answer is? Option D, all of the above. So यहाँ पे कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, मिथेन भी आएगा एंड सीएफसी भी आएगा. सीएफसी का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट? सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अब. व्हेन पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए चेंज ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी साइकिल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोसेस, राइट? यानी कि पाथ कंप्लीटली स्पेसिफाइड होता है, यानी कि इनिशियल पॉइंट वन होता है एंड फाइनल पॉइंट सेकंड होता है. तो क्या होता है, पाथ को कंप्लीटली स्पेसिफाइड किया जाता है, उसको ही हम बोलेंगे प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेम्परेचर मेजरमेंट बाय मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए जीरोथ लॉ, ऑप्शन बी फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबो. सो ओवर हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए जीरोथ लॉ, राइट? तो ये जीरोथ लॉ यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लॉ के बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? तो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, तो उसमें थ्री बॉडी कंसिडर की जाती है, बॉडी ए, बी एंड सी. बॉडी ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी. देन बॉडी ए एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, राइट? तो पर्टिकुलर टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे उसका राइट आंसर रहेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. तो टेम्परेचर मेजरमेंट बाय मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ, राइट? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.